दोस्तों, आज तक इंसानों ने पृथ्वी के लगभग हर कोने की खोज कर ली है। यही नहीं बल्कि हमने इसके सबसे कठिन इलाकों पर भी विजय प्राप्त की है। लेकिन इस सब के बावजूद हम आज तक धरती के इनर कोर के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं। दरअसल पृथ्वी की तीन प्राथमिक पार्ट होती है, जो कि बाहर से आंतरिक दिशा की ओर है। पहली भूपटल यानी कि क्रस्ट, दूसरी प्रभार यानी कि मेंटल, और तीसरी है कोर। पृथ्वी का आंतरिक खंड ही आंतरिक कोर कहलाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये सूरज की तरह पृथ्वी की सबसे गर्म सतह होती है, और सदियों तक वैज्ञानिकों के लिए ये एक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, पृथ्वी के आंतरिक कोर में एक कोर होता है जो कभी नहीं पिघलता, जबकि ये सूरज से भी ज़्यादा गर्म होता है, और अब तक ये सबसे बड़ी पहेली को हल किया जा चुका है। स्वीडन के एक साइंटिस्ट बताते हैं कि पृथ्वी की कोर में 7 की वजन के बराबर 3.5 मिलियन ज़्यादा दबाव होता है, और टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस यानी कि 10800 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी कई ज़्यादा सख्त तापमान होता है, और वजन के कारण इसके कण गति कर रहे हैं, और यही आंतरिक कोर में परमाणु स्थिरता का कारण बनता है और लोह क्रिस्टल को द्रव्य में विकृत करता है। आंतरिक कोर के किनारे पर क्रिस्टल संरचना की विद्युत लगातार पिघल जाती है और हाई प्रेशर के कारण फिर आपस में मिलने के लिए फैल जाती है। साथ ही ऊर्जा विकिरण चक्र क्रिस्टल केंद्र को मजबूत रखती है। वैज्ञानिकों ने रिसर्च के लिए ट्रेवलिंग कंप्यूटर का इस्तेमाल किया और पाया कि उच्चतम तापमान पर भी उच्च आयाम यानी कि हाई एम्पलीट्यूड के कारण एटम्स गति बनाए हुए हैं, और इसके साथ ही वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि आमतौर पर डिफ्यूजन क्रिस्टल संरचनाओं को उन्हें द्रव्य में बदलने के लिए नष्ट करता है। हालांकि ये डिफ्यूजन कोर की सख्त संरचना के लिए सुरक्षा की अनुमति भी देता है। दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ अगले वीडियो में।